वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज के इस वीडियो में चलेंगे हम मानसा देवी मंदिर की ओर। और अभी हम लोग रास्ते से चल रहे हैं तो मानसा देवी मंदिर जो कि अभी मैंने फर्स्ट बार यहां पे आया है, और अभी मानसा मंदिर की ओर चलते हैं। और चलिए पूरा ब्लॉग्स दिखाएंगे आपको, तो मानसा मंदिर की ओर चलते हैं। चलिए मेरे ब्लॉग्स पर बनाइए, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मतलब कर लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अभी चलिए चलते हैं माता मनसा देवी की मंदिर की ओर, और अभी हम लोग रास्ते में। मेरे साथ राहुल है, बोलो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे माता मनसा देवी का, वहाँ पे देखिए वो जो है कि लिफ्ट से लाया जाता है और चढ़ाया जाता है, देख लीजिए। वहाँ पे उड़न खटोला जो है कि आप लोग को उपलब्ध होगा, जैसे कि आप उससे भी यात्रा कर सकते हैं और पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो जो भी यात्रा करना चाहते हैं इसे कर सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। आज शनिवार का दिन है, खिलाओ हनुमान सेना को भी, अन्न का दान लगेगा। एलोवेरा का यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे गेट है, और देखिए यहाँ पे उड़न खटोला लगाया गया है। तो अभी हम लोग रास्ते में चल नहीं रहे, तो ऊंची ऊंची इमारतें मिलती है चढ़ने के लिए, ऊंची ऊंची पहाड़ हैं, तो यहाँ खाने के लिए कुछ मिल जाएगा, रामफल है कुछ। तो यहाँ का देखिए गजब का व्यू आ रहा है, और देखिए, और हम लोग इधर चल रहे हैं। लंबी डिस्टेंस से अच्छा चलता है फिर। सो गाइस, तो अभी हम लोग देखिए आगे चल रहे हैं, इधर से रास्ता मतलब ऊंचाई पहाड़ पे चढ़ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग देखिए कितना ऊंचाई पर चढ़ चुके हैं। तो उधर और रास्ता है, और इधर हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग मानसा मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो अगर आप कहीं से भी आते हैं तो आपको दो तरह के यहाँ पे आपको मंदिर जाने के लिए मिलेंगे, एक ट्रॉली से भी जा सकते हैं और आप पैदल जा सकते हैं। तो अभी मनसा मंदिर की ओर हम लोग चल चुके हैं, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है हम लोग, और गजब का व्यू आ रहा है। तो मेरे ब्लॉग्स को तो दोस्तों ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का अच्छे अच्छे जगह का और मंदिर का ब्लॉग्स आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। कितना का है भैया, कैसे देते हैं? कैसे? 20 रुपया। 20 का आपको प्रसाद मिल जाएगा। दोस्तों सभी हम लोग जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग देखिए कितना ऊंचाई पे हम लोग चल रहे हैं। तो अगर मानसा देवी मानसा मंदिर हम लोग अभी रास्ते में हैं, अभी हम लोग चल रहे हैं, तो बहुत ऊंचाई में है मानसा देवी माँ के मंदिर। तो अभी COVID-19 की वजह से उतना काफ़ी भीड़ नहीं चल रहा है, तो अभी हम लोग यात्रा कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग देखिए रास्ते में जा रहे हैं, बहुत काफ़ी ऊंचाई पे हैं, तो चलिए चलते रहिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे साथ में मौसा है, मौसा मानसा देवी आप कितने बेर आ चुके हैं? यहाँ तो कम से कम 2500 बार आ चुके हैं। मेरे मौसा जी लगभग 25 बार आ चुके हैं। तो अभी COVID-19 की वजह से हम लोग यहाँ पे उतना भीड़ नहीं दिख रहा, पहले भीड़ दिखता था क्या? बहुत काफ़ी, पहले बहुत काफ़ी भीड़ होता था, अभी बहुत कम भीड़ है, तो COVID-19 की वजह से। रास्ते में बहुत सारे यहाँ पानी मिल जाएंगे, और नींबू पानी भी मिल सकता है। और इधर हम लोग रास्ते में
जा रहे हैं। देखिए ट्रॉली ऊपर, तो दोस्तों देखिए ऊपर में ट्रॉली है, ट्रॉली आप ट्रॉली से भी यात्रा कर सकते हैं और आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। तो आप कभी आते हो तो ट्रॉली और पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, दो तरह के आपको यात्रा मिल जाएंगे यहाँ पे। और एक बात और है यहाँ पे, और जो है मोटरसाइकिल या स्कूटर का भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। ये सब क्या है? आपको बहुत चीज मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे फोटो वोटो मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग देखिए कितना ऊंचाई पे हैं, तो आपको बैक कैमरे से दिखाएंगे। और पहले इधर देख लीजिए किस कैसा व्यू है, देखिए कितना गहराई में हम लोग, मतलब वहाँ पे थे वो देखिए, वहाँ पे रास्ता है, वहाँ पे कितना ऊंचाई में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए इधर वो मंदिर जो जल लगता है, वो कौन सा मंदिर है? चंडी माँ का? नहीं नहीं, यही वहाँ मंदिर चंडी माँ, हाँ चंडी माँ का मंदिर है। उसका ब्लॉग से आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। तो चंडी माँ का वहाँ भी हम लोग यात्रा कर चुके हैं, अभी मनसा माँ की मंदिर की ओर हम लोग यात्रा कर रहे हैं। तो अभी हम लोग देखिए कहाँ पे हैं। तो दोस्तों हम लोग इस रास्ते से आए हैं, देखिए कितना अच्छा रास्ता है। और यहाँ से बाइक भी मिल जाएगा आपको 150 में। और इधर देख सकते हैं अभी इस ओर के हम लोग इधर चढ़ाई करेंगे, पहाड़ की ओर चढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आगे की ओर चलते हैं, तो मेरे ब्लॉग्स पे बने रहिएगा। तो देखिए हम लोग मंदिर के पास आ चुके हैं। और यहाँ तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं मानसा मंदिर की। और यहाँ पे अभी देख सकते हैं मंदिर आ चुके हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग इधर की ओर चलेंगे, मानसा देवी का दर्शन करने के लिए अभी हम लोग चल रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, या वहाँ पे फोटो या वीडियो उसको करने के लिए देता है या नहीं देता है, तो आप पता नहीं अब क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। तो अभी मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तो जब भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो अभी हम लोग चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अभी हम लोग देखिए मानसा मंदिर की अंदर में आ चुके हैं। दोस्तों देखिए मानसा देवी के मंदिर में हम लोग को हलवा मिला है और पूरी खाने के लिए मिला है। और इधर मौसा लोग मौसी लोग खा रहे हैं, पूरी हलवा मिलता है यहाँ पे खाने के लिए। मानसा देवी अगर मंदिर आते हैं तो आपको उतरने के टाइम में, इधर सीढ़ी है देख लीजिए, उतरने के टाइम में आपको हलवा पूरी यहाँ पे आपको खाने के लिए मिलेगा। तो चलिए अभी हम लोग हलवा पूरी खाते हैं और इसके बाद नीचे उतरते हैं, चलिए खाते हैं। मानसा देवी के मंदिर में यहाँ पे देखिए हलवा पूरी खिलाया जाता है। सो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग उतर रहे हैं। तो अभी देखिए उतरने का सीढ़ी का रास्ता देख लीजिए कैसा है,
और हम लोग उतरते हैं। मतलब सीढ़ी उतरने वाला बहुत अच्छा रास्ता है, मतलब शॉर्टकट रास्ता है, तो लगता है जल्द ही हम लोग नीचे उतर जाएंगे। मतलब दोस्तों अभी हम लोग मनसा देवी का मंदिर का पूजन करके और वहाँ पे हलवा पूरी भी खाए, और चलिए अभी हम लोग इस रास्ते से जाते हैं, तो अभी हम लोग उतर रहे हैं।